हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया। मैगी तो आपने कई बार और कई तरीके से बनाई होगी। आज मैं आपके साथ एक अनोखी मैगी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो शुरू करते हैं मेरी रेसिपी। मैंने मैगी लिए, जो मार्केट में मिलती है ना वही मैगी, ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगी और हर किसी के घर में मैगी तो होती ही है। तो इस मैगी को मैं पहले तोड़ लूंगी, इस तरह से पीसेस करना है। मैगी तो आपने कई बार बनाई होगी, बट आज मेरे तरीके से बनाइएगा मैगी कैसी बनती है। इस तरह से मैगी को हमें तोड़ लेना है। अब हम मैगी को रोस्ट करेंगे, तो एक पैन में मैं एक स्पून घी ले लेती हूँ, बिल्कुल एक चम्मच ही, ज़्यादा नहीं। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें ये मैगी डाल देती हूँ और इसे रोस्ट करेंगे। हल्का सी कलर चेंज हो रहा है जब तक ये हमें रोस्ट करना है। मैगी का हल्का कलर चेंज हो गया है, हल्का सी ब्राउनिश कलर आ गया है इस तरह से। अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ, अब इसे प्लेट में ले लेती हूँ। अब एक पैन में मैं दूध डाल देती हूँ। दो ग्लास दूध लिया है मैंने, अच्छा सा गर्म करेंगे इस दूध को। दूध गर्म हो जाए जब तक हम कस्टर्ड मिल्क बना लेते हैं। कस्टर्ड मिल्क बनाने के लिए मैंने हाफ बाउल दूध लिया है। दूध में मैं एक टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल दूंगी, आप वनीला है कोई भी फ्लेवर का ले सकते हो। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप वनीला फ्लेवर का ले रहे हो तो इलायची ना डालें। अगर आप प्लेन कस्टर्ड पाउडर ले रहे हो बिना फ्लेवर वाला, तो उसमें इलायची डाल दें, और फ्लेवर वाला ले रहे हो तो इलायची ना डालें। मैंने मैंगो फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर लिया है। अच्छे से मिक्स हो गया कस्टर्ड पाउडर, बिल्कुल लम्स नहीं है अंदर। दूध में भी अच्छा उबाल आ गया है। अब ये कस्टर्ड मिल्क हम धीरे धीरे डालेंगे और कॉन्स्टेंट हिलाते रहेंगे। कॉन्स्टेंट हिलाना है, धीरे धीरे डालना है और कॉन्स्टेंट हिलाना है, इस तरह से बिल्कुल लम्स ना हो। अब इसे एकदम ही कॉन्स्टेंट हिलाएंगे ताकि नीचे चिपके नहीं और थिक हो जाए जब तक इसे कुक करना है। दूध हल्का थिक हो गया है, अब मैं इसमें शुगर डालूंगी। 4 टेबल स्पून शुगर लिया मैंने, मीठा आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिएगा। थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, मैंने बादाम लिए, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। और फिर से 2 मिनट कुक करेंगे इसे। 2-3 मिनट से दूध उबल रहा है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ये मैगी डाल देती हूँ जो हमने रोस्ट की थी। फिर से अच्छे से कुक करते हैं, अच्छी मैगी सॉफ्ट हो जाए जब तक, बीच बीच में हिलाते हुए। हल्की सी मैगी सॉफ्ट हो गई है, पूरी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए जब तक कुक करेंगे। मैगी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, बस इस स्टेज पर हमें गैस ऑफ कर लेना है। गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इस तरह से आपने पहले मैगी कभी नहीं बनाई होगी, तो एक बार मेरा वीडियो देखकर जरूर ट्राई करें। आपको ये मैगी की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।